वेदेश ज्वाला भंडारी झमको जय देश घुगती गीतेर झमको। काफी हद तक जो छ गीतों में फुहड़ता भी आई छ गीतों में आप जन के आप देखने सो वा चाली चादरी रुमा झूमिया बाजो तुए केला दया बोया रुमा झूमिया बाजो। वो लोक कलाकार छे वो मतलब जो छे मिट्टी से जुड़िया छे ने तो हूँ थे मतलब मैं अपने गुरु बोल सकदो भूरियालू झांगो रूबे कूटे दुभी नीचा सासु मौस्या सासुबे अधरात उठांदी। तो टेप रिकॉर्डर होता चाहे तो टेप रिकॉर्डर में हम सुनते चाहे सब बैठे मिलजुल जो सुनते चाहे वो गीतों थे लेकिन अब वो प्यार प्रेम जो नीचे लोगों में झपन्याली डालो ही लास बसली झूमे लो जो का होला भाई मैं तो बुलाला झूमे लो। नमस्कार मैं रविंद्र रावत नैनी डाडा ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल बीटी छो। मेरी प्राथमिक शिक्षा जो छे यही नैनी डाडा ब्लॉक बीटी हुई छे और स्नातकोत्तर में आरो देहरादून बीटी छे और अब मैं यक रामनगर ग्रेट मिशन स्कूल में शिक्षक का रूप में कार्य करनु छो। जन की आप सब जन रही छा कि उत्तराखंड जो छो देवभूमि कनो से जने जांदी तो देवभूमि यक जो छो यक का लोकगीतों में भी यक खान पान रहन सहन बोली भाषा और जो छो यक का जो आभूषण छो पहनावा छो और जो पेड़ पौधा छिन प्रकृति यूं से ही संदर्भित जो छो लोकगीत हुंदे ने। जन की पशु पक्षियों पर भी जो छो लोकगीत छिन यक का मांगल गीत जो छो विवाह या जन की मुंडन ये का शुभ अवसर पर गए जन दिन और जो झुमेला और चौंपला थड़िया लोकगीत छिन ई यक गए जन्दिन। थड़िया लोकगीत यक बसंत पंचमी बीटी और बिखौती यानी कि वैसाखी तक गए जन्दिन और थड़िया लोकगीत घर का आंगन में चौक में गए जन्दिन। दुई लाइन जो थड़िया गीत की मैं आपते सुनौलू तो जन की एक लोकगीत खोली दे माता खोल भवानी धार में के वाड़ा आहा खोल दे माता खोल भवानी धार में के वाड़ा आहा लौंग सुपारी भेंट लिया त्यारा दर बारा। यू जो छ देवी देवताओं से संदर्भित यू लोकगीत छ जन की ननद और भाभी को रिश्ता बहुत प्यारो होंद तुवे पर एक थड़िया लोकगीत छ कि जब भाभी मैत जांद और वक बिटी चुनरी और आभूषण ल्यांद तो वो एक ननद था जो छ पसंद है जानदे ने तो तब वह जो छ ये गीत थे गांद वा चाली चादरी रुमा झूमिया बाजो तुए केला दया बोया रुमा झूमिया बाजो तुए केला दया बोया रुमा झूमिया बाजो मी गए छो मैं तुड़ा रुमा झूमिया बाजो दे छयू माजील रुमा झूमिया बाजो ले छया बाबा जी रुमा झूमिया बाजो तुए केला दया बोया रुमा झूमिया बाजो। तो ये गीत को अर्थ छाई कि ननद जो चु भाभी मा पूछनी छे कि भाभी तुम ते सुंदर जालीदार चुन्नी और ये जो आभूषण छ वो कहन दिया ही तो भाभी बोनी छे कि ये जो आभूषण छ मेरा पिताजी लिए छाई और मेरी माँ जिन जो छ मिथे दिए छाई। दूसरो जो वर्ग छ गीतों को वो छ झुमेला कार्तिक में जो पुंगड़ियों में भी काम हो जान गूँ जो बुते जन्दी ने तो झुमेला जो छ अब कार्तिक बेटी लगन स्टार्ट हो जांद लबी लबी बाड़ियो माया झुमे लो हल्या टोखनी मा रालाया झुमे जो की होली माजिया झुमे लो वा मैत बू लालिया झुमे लो। ये को मतलब यो छे कि
खेतों में जो हल्दिया जो है लगा ला वो बल्दों थे जो टोकड़ी मरा ले यानी कि आवाज लगा लो थे और जो की माजी होली वो थे मैथ बुला ली। तो बहुत मतलब यू करुण रस प्रधान लोकगीत झुमेला लोकगीत खुदेड़ लोकगीत भी बोल सकते हैं थे आप। झुमेला जो गढ़वाल में मुख्यतः द्वि प्रकार का होते हैं। एक यू जुमीन अभी सुनाई आप थे वो तो अलाप शैली में छ अलाप शैली में और एक जो नृत्य प्रधान ताल प्रधान भी होंद। तो जन काना छोड़ी होलुहुणी यारूं झूमे लो काना छोड़ी होलुहुणी यारूं झूमे लो रातू ना की गोट हुणी यारूं झूमे लो। या यू बीच एक लोकगीत राडा की रडवाली मारी रोणाली झूमे लो राडा की रडवाली मारी रोणाली झूमे लो झपन्याली डालो ही लास बासली झूमे लो जो का होला भाई मैत बुलाला झूमे लो। राडा की रडवाली राडा यानी कि राड जो चु जो सरसों का खेतों में जो चु मुआरी मुआरी मीन्स मधुमक्खी जो चु गुनगुनाल गीत गाली और हल्दिया जो चु जो हल लगाने वाला वाला वो कंधों में हल रखी के जाला और जो का भाई वाला वो ऊँ थे मैत बुलाला। तो यू झुमेला को दूसर प्रकार चाहिए ये मैं ताल प्रधान ची लोकगीत नृत्य भी कर सकता। चौंपला यानी कि जन फूल जो वृत्ताकार हों गोलाकार हों तो चौंपला नृत्य में जो गोल घेरा बनाई के जो नृत्य और गए जाते गीत थे तभी ये थे चौंपला बोले जाते। ये में कोई वाद्य यंत्रों को उपयोग नहीं हों केवल पैजेबू की झनकार और चूड़ियों की झनकार और तालियों की गड़गड़ाहट द्वारा जो ये गीत थे गए जाते। देवो मा देव को देव बड़ो 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 देवो मा देव महादेव बड़ो देवो मा देव महादेव बड़ो फूलो मा फूल को फूल बड़ो फूलो मा फूल को फूल बड़ो फूलो मा फूल सितराज बड़ो फूलो मा फूल सितराज बड़ो। तो ये को अर्थ हो चुकी देवो में जो चुको देव बड़ा चिन्ह तो ब्रह्मा जी सृष्टि रची तो महादेव जी जो ये सृष्टि मा प्राण बसायन तो वो जो देव सबसे बड़ा चिन्ह महादेव जो बड़ा चिन्ह फूलों मा फूल जो सितराज बड़ो फिर नारियों मा नारी सीता बड़ी गंगा मा गंगा भगीरथी बड़ी। तो इन्हीं जो यू गीत चल दो अग्नि तो ये जो हमारो चौंपला लोकगीत छाई। कुमाऊ क्षेत्र में सकुनाखर बोले जांदू कोणी यक जो गढ़वाल में मांगल बोले जांदे भाव भी होंदी ने बस शब्दों को अंतर हो जांदे बोली भाषा को थोड़ा अंतर हो जांदे। तो मांगल गीत जो विवाह का अवसर पर और मुंडन का अवसर पर जो ये गए जांदे ने या कई शुभ कार्यों का अवसर पर जो मांगल गीत गए जांदे ने। तो ब्यो का जो मांगल गीत छिन जो ब्यो का समय गए जांदे ने वो काफ़ी प्रचलित छिन यक जब बेटी की विदाई होंद तो तब वो गीत गए जांदे मांगल गीत तो वे का अंश में आपका सामने प्रस्तुत करो लो। भर आदि भर आदि लाड़ी तेरो डोला चौक सजूचा तिल जाना लाड़ी तिल जाना चौ गंगा पारा पेटावा बाबा जी पेटावा बाबा जी घोड़ी पालकी पेटावा बाबा जी घोड़ी पालकी मेरा दगड़ माँ मेरा दगड़ माँ भूलों ते भेजला मेरा दगड़ माँ भूलों ते भेजला। तो ये जो विदाई का समय गए जानते लोकगीत कि जो लाड़ी भैरो अब तीन चौगंगा पार जाने यानी कि बहुत दूर ससुराल में तो ये लोकगीत छाई मांगल लोकगीत। मेरी नानी जी जो 2017-18 में जो देहरादून में ही छाई तो वे टाइम पर मेरे जो स्नातक एमएससी में कनु छाई
तो वे टाइम पर नानी जी यहीं छा तो उन जो चौफला लोक गीत सुना में थे एक, तो वे लोकगीत से जो मैं बहुत प्रभावित हुआ और वे लोकगीत से फिर मेरे संस्कृति का प्रति जो रुझान बढ़ी कि हमारा लोकगीत जो समृद्ध छिन्न इतना बढ़िया हमारा लोकगीत छिन्न, तो यूँ कुछ संरक्षण करण चेन हम थे और जो भावी पीढ़ी जो ये आणवल भावी पीढ़ी छी जो बच्चा छिन्न हमारा तो उनते सिखाण चाहते, तो तब बेटी जो मेरे जो रुझान बढ़ी संस्कृति का प्रति, तो तब जो मीन शुरू करी देखणु मतलब लोगों से सुन स्टार्ट कर मीन नैनी डांडा ब्लॉक में हिवाड़ हिवाड़ बसेड़ी हमारो गांव छे, तो वक्त जो इतना ज्यादा लोग नहीं छे वक्त के लेके चार पांच घरों को हमारे गांव छे छोटो गांव छे, बचपन में जो हम गोर चराना खुण जानदा छाई तो और मेला थोलो में भी जो हम जानदा छाई और वक्त जो मेला थोलो में बहुत अलग ही रसियाण जो आंदी छा वक्त, तो ये बचपन का याद छे मेरा और गोठ गोठ लग दी छाई पहले तो मैं अपना दादाजी का दगड़ी गोठ में जानदू छाई, मेरे पापा की दादी जो छाई मेरी परदादी जो छाई तो पहले लोकगीत सुनांदी छा मैं, पर वे टाइम पर की लगी मतलब इतना पता नहीं छा मैं कि लोकगीत के होंदे ने, तो अब मैं सोच दूँ कि अगर काश अब मेरी जो जो परदादी जो जिंदा होंगी तो उसे मैं बहुत सारी जो जानकारी ली दूँ, तो वो भी जो मैं गीत सुना छा कुछ है, तुम्हें वो कुछ मतलब जो मैं याद आना चाहिए गीत तुम्हें आपसे सुनो लो, धार माँ उर ख्याली बे चो डांडा बतो चा बुरियालू झांगो रूबे कूटे दुभिनी चा सासु मौस्या सासु बे अधरात उठांदी, तो यानी कि वे समय की जो सासु चाहिए वो बारे ऊपर जो अत्याचार कर दी चाहिए, तो वे एक लोकगीत चाहिए कविता, तो जन मेरा मतलब खुदेड़ कविता भी रहने नहीं और जो लोरी जो गढ़वाली लोरी छिन वे पर भी मेरा कविता लिखा छिन, तो वही मैं आप तो सुनो ले लोरी जो चौके तिरवाली आमे की डाली आमे डाली माँ घुगती घुराली से जा बाला चखूली से जा बाला चखूली से जा बाला चखूली से जा बाला चखूली। सबसे पहले जो गीत छा मैं तो अभिनव रावत जी को लिखियो छा मैं गीत लगांदी करी के एक गीत छा और एक जो पौड़ी को बैक करी के एक गीत छा ही एक जो अभी वो म्यारो गई जो दीदी रेखा रावत जी दगड़, तो वो जो गीत मीन रात में लिखी और सुबह जो रिकॉर्ड कर दे वही गीत है, तो स्याली झमले वो गीत च भली सजदी स्याली तेरी ना थोली भूलाक झमले भली सजदी स्याली तेरी ना थोली भूलाक झमले मेरा गाँव मक थिग स्याली हिट मेरा मूलक झमले नौ दुण झांगोर कूटी झांगोर की घण झमले तेरा डांडा गोमा भीना मिन जरूर आना झमले, तो यू स्याली भीना का पर जो ची गीत छाई। गायक तो जो नरेंद्र सिंह नेगी जी ही छन और कुमाऊं की अगर बात करें तो वक्त भी जो हीरा सिंह राणा जी और नैननाथ रावल जी के लेके लोक कलाकार छन, जो नैननाथ रावल जी छन वो लोक कलाकार छन वो मतलब जो मिट्टी से जुड़िया छन, तो वो जो थे मतलब मैं अपने गुरु बोल सकद नेगी जी को, तो सबसे पसंदीदा के लिए जो खैरी बिबदा वाला गीत छिन का वही मित पसंद छिन, तो एक मैं सुनो लाभ थे हे मैं त्या दगड़िया घसेर भग्यान रे बार ली जई हाथ जोड़ान हरी डाल गे थे की खुद लगी चा मैं ते की रंगीली बिंदी घाघर काई धोती लाल किनर वाई रंगीली बिंदी घाघर काई धोती लाल किनर वाई आए हाय हाय रे मैं जाता होय 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 रे मैं जाता कि मुखी प्योली फूल वाई यूं आंखों में काई जरे आए आए हाय हाय रे मैं जाता होय 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 रे मैं जाता, तो ये जो हीरा सिंह राणा जी को गीत छाई मैं तो बहुत पसंद छू।
नैननाथ रावल जी का तो मतलब उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, तो मतलब उनको एक गीत च छोरी कमला सुरा सुरा हवा चली साड़ी समाला लौंडा सुभाषा त्यार हाथ में भल छजीरो लेखिया रुमाला खाण पीण होटल को बिछोड़ा दरी को समझौण कर दी उमरा भरी को लौंडा सुभाषा त्यार हाथ में भल छजीरो लेखिया रुमाला। पसंदीदा गायिका जो छे मेरी अनुराधा निराला जी छिन। मूल मूल के को है सुनी छे तू मूल मूल के को है सुनी छे तू हे कुले की डाली कखी तिन मेरी आँखों का सुपन्या देखी तनी मुल मुल के को हसनी छे तू। जागर शैली का वो प्रख्यात जो गायक छिन तुम इन बहुत जब हम छोटा चाहे था हम कैसेट में सुनता था सीडी में सुनता था वो गीत थे तू मैं आपते सुन लो छाला दू देलासी बिंदुली छाला दू देलासी छाला दू देलासी बिंदुली छाला दू देलासी छुई पूरी निवेन छुई पूरी निवेन बिंदुली राती रे गिजरासी तेरे सो राती रे गिजरासी। तो यू जो भरतवाण जी का जी को गीत छायो और जब हम याद आने चुमी थे कि जब हम बचपन में जो सीडी में पहल पहल जो सीडी उनचा अब तो जो यूट्यूब पर मतलब जो हम देख लेना चाहो पहल जो अलग ही जमानु चाहे तो टेप रिकॉर्डर होना चाहे तो टेप रिकॉर्डर में हम सुनते चाहे सब बैठे मिलजुल के जो सुनते चाहे वो गीतों थे लेकिन अब वो प्यार प्रेम जो नीचे लोगों में आजकल का गीतों के बारे में मतलब यू ही बोलूँ मैं कि कुछ लोग तो जो बहुत मतलब अच्छा कार्य करना चाहिए ना लेकिन काफ़ी हद तक जो गीतों में फूहड़ता भी आई गीतों में आप जन के आप देख नहीं सो सब मतलब आजकल के लिए कि यूट्यूब सोशल मीडिया मतलब हर जगह उपस्थित छे तो मतलब आप देख सकता लेकिन कुछ लोग जो अपनी संस्कृति थे बचाना भी छिन प्रयास करना छिन तो मैं तो ये सुझाव मैं दियो लो कि मतलब अपनी संस्कृति थे दिखावा ताकि जो बच्चा छिन वो भी मतलब अपनी संस्कृति थे सीखा हमारे जो खान पीण रहन सहन जो हमारे पहनावा छे वे थे तभी वो जाना ला। सोशल मीडिया अब वो तो देखने वाले पर बात छे कि मतलब अगर हम सकारात्मक रूप से देख ला तो मतलब सकारात्मक छे और अगर नकारात्मक रूप से देख ला तो नकारात्मक छे तो मतलब जनी रील बनाने वाले छे अब कई लोग जो छूत है मतलब बोल दी कि मतलब यू को कुछ काम नहीं छे यो छे वो सोचो मतलब कई बात उनका बारे में बोल देना तो मैं तो यू बोलूँ कि मतलब कखी ना कखी अपनी लोक भाषा मातृभाषा तक बचाना छे तो प्रयास मतलब ठीक छे बढ़िया छे प्रयास संस्कृति बचाना का वास्ता जो मैं थोड़ा ढूंढनु छो लोकगीतों थे तो संगीत का वास्ता तो मैं यू ही बोलू लो कि पहले में थे मतलब सीखन पड़ा लो फिर वे का बाद जो मैं बच्चों से भी सीखो लो अपना जो लोकगीत छे तो बाकी मेरी रुचि संगीत में छो और जो चित्रकारी जो मेरा जो गढ़वली चित्र होंगे ना वो मैं बनाना पसंद कर दूँ और लिखूँ गांव में बदलन क्या के लिए कि काफ़ी चीज़ तो जो है गांव में बदलेगी ना अब जन जन की मतलब ये फोन जो है हर जगह होगी अब इतना ज़्यादा फैसिलिटी जो है शहरों में नहीं छिन जितना गांव में छिन के लिए कि लोग भी अब जागरूक होना चाहिए लेकिन कई गांव जो है अभी भी मतलब जो पिछड़ा छिन जन की हमारा गाँव का ही एक गाँव दूसर गाँव छो वक जो वो जिम कॉर्बेट क्षेत्र में आंदो तो वक अभी तक आप यकीन नहीं कर ला कि वक लाइट नहीं छ तो इन अभी गाँव छिन सामाजिक जो मैसेज छे मेरा तो वो तो यही छे कि मतलब अपनी संस्कृति बचावा अपना बच्चों से सिखावा संस्कृति का बारे में उन्हें बतावा जब तक हम खुद मतलब घर बेटी शुरुआत निकल ला तो मंचों बेटी हम भाषण तो दे दें कि भाई संस्कृति बचाओ यू करो वो करो लेकिन जब तक हम खुद अपना ऊपर वे लागू निकल ला तब तक हम कह दूसरों तक के लिए बोल सकता तो यू छे मेरा।
वे देश जौला भंडारी झमको जय देश नी होंदी गाणी झमको वे देश जौला भंडारी झमको जय देश घुगती गीतेर झमको वे देश जौला भंडारी झमको जय देश कफू मगलेर झमको वे देश जौला भंडारी झमको जय देश घिडुआ पधान झमको।